है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल फीट मेहंदी डिज़ाइन। इट्स अ सेमी ब्राइडल फीट मेहंदी डिज़ाइन। आप इसे इंगेजमेंट ब्राइड्स को भी लगा सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देगी। सो हम यहाँ रोज़ फ्लावर से स्टार्ट कर रहे हैं मेहंदी की डिज़ाइन। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने एक रोज़ फ्लावर एड ऑन कर दिया है। अच्छे से हम नेचुरल पेटल्स उसकी आए उस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देन अब हमने फ्लावर ड्रॉ किया है तो लीव्स कंपलसरी है, तो हम यहाँ क्रॉप लीव्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहाँ सिंपली शेडिंग वाले लीव्स को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम छोटे से सर्कल्स लेंगे एंड सर्कल के बाद हम स्पाइरल लेंगे। हम यहाँ बेसिकली एक बंच ड्रॉ कर रहे हैं और बंच में स्पाइरल भी कंपलसरी है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस डिज़ाइन में सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने तीन स्पाइरल को अच्छे से विजिबिलिटी के साथ ड्रॉ कर दिया है। जब भी आप फीट मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो, लेग्स मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर आप कंफर्टेबल हो कि दोनों पैर में आप साथ में लगा सके, जैसे कि आपने एक बंच ड्रॉ कर लिया एंड फिर वही बंच को आपने सेकेंड लेग्स में सेकेंड फीट की डिज़ाइन में कॉपी कर दिया, तो आप अगर इस तरीके से कंफर्टेबल हो तो श्योरली आप इस तरीके से ही मेहंदी की डिज़ाइन को क्रिएट करें। बट मैं इस टेक्निक के साथ कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैं इस टेक्निक के साथ ये डिज़ाइन को बना रही हूँ। ये पूरा हम ब्राइडल कॉन्सेप्ट में हम हमारी फीट की डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं गाइस। सो आप इसे पूरा देखिएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ब्राइडल फीट मेहंदी डिज़ाइन विथ एक्सप्लेनेशन शेयर कर रही हूँ, और वो भी हमारे क्लासेस की वीडियोस में। सो यू कैन सी कि मैंने कितनी प्यारी तरीके से लीव्स को ड्रॉ किया है, फिर कुछ सिंपल हमारे बेसिक वाले एलिमेंट्स को ड्रॉ कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब हम दोनों लीव्स को अच्छे से फिल कर देंगे। लीव्स फिल हो जाने के बाद हम एज इट इज़ एक हाफ फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर कैन सी कि हमने ये हाफ फ्लावर ड्रॉ कर दिया है। फ्लावर के साथ अगेन हमने स्पाइरल ड्रॉ किया और स्पाइरल के साथ हमने ये लीव्स को हमने क्रिएट किया है। हमारी वेवी वाली लीव्स है ये, बोल्ड वाली, जो हम नेगेटिव स्पेस में भी यूज़ करते हैं। और अच्छे से मैंने इस लीव्स की पेटल्स को ना मैंने बोल्ड कर दिया है। एंड अगेन हमने अगर बोल्ड एलिमेंट लिया है यहाँ पर, तो हम स्पाइरल लेंगे। ये सर्कल वाले स्पाइरल से हम इस डिज़ाइन को लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन में बैलेंस कर रहे हैं। देन मैंने थंब के ऊपर एक और फ्लावर को एड ऑन किया है और अच्छे से मैं इसे बोल्ड कर रही हूँ। यू कैन सी एवरीवन, ये फ्लावर क्रिएट हो जाने के बाद मैं सारे फ्लावर्स में अच्छे से विजिबिलिटी के साथ शेडिंग कर दूंगी एंड शेडिंग के साथ साथ मैं इसे बोल्ड कर अच्छे से कंप्लीट कर दूंगी। और हम ये लीव्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड अप लीव्स क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमारे डिज़ाइन की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाए। और अगेन यहाँ पर मैंने एक लाइंस को ड्रॉ कर दिया है, उसके साथ मैंने हम्स की लाइंस को भी ड्रॉ कर दिया है, और इस अगेन मैंने एक लाइन को ड्रॉ करके इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर शेप बना चुकी हूँ मैं। और यहाँ मैं सर्कल वाले स्पाइरल फिल कर रही हूँ, बिकॉज हम सेमी ब्राइडल इंगेजमेंट मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए हम ये डिज़ाइन पूरी भरी भरी ब्राइडल फॉर्म में बनाएंगे। सो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। एंड नाउ यू कैन सी कि इस तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे फिलर एलिमेंट्स को। एंड अगेन हम एंड अप लीव्स हम ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर हम एक अच्छे से बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन सी कि हमने किस तरीके से बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर दिया है। देन हम अगेन एक सर्कल ड्रॉ करके हम उसमें सिंपली स्पाइरल को फिल करेंगे। उस पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करके हम्स की लाइन को क्रिएट कर देंगे, ताकि ये सेपरेट हो जाए और बहुत
अनइवन सा ना दिखाई दे, इसीलिए हम बॉर्डर लाइन और हम्स की लाइन को ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे डिज़ाइन डिवाइड होकर अच्छे से प्रेजेंट हो सके। नाउ यू कैन सी कि मैंने एक और लीव्स को क्रिएट कर दिया है यहाँ पर और उसे बोल्ड भी कर दिया है। लीव्स को बोल्ड कर देने के बाद यहाँ पर मैंने हमारे बेसिक से कुछ एलिमेंट्स को भी एड ऑन किया है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से कर्व्स वाला एक शेप लूँगी और फिंगर की तरफ मैं एक लाइंस को ड्रॉ कर दूँगी एंड यहाँ मैं डॉट वाले हम्स इस स्ट्रक्चर में फिल करूँगी बिकॉज हम हैवी ब्राइडल की तरीके से हम सेमी ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए हम ये भरी भरी डिज़ाइन को हम बना रहे हैं। यू कैन सी कि मैंने इस तरीके से फिल कर दिया है। फिल हो जाने के बाद मैं इस स्ट्रक्चर को बाहर से बोल्ड कर दूंगी और बोल्ड करने के बाद मैं थम्स की डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए और मैं नेक्स्ट डिज़ाइन को क्रिएट कर सकूं। और इसके बाद हम बिना बॉर्डर लाइन लेकर हम ये जिगजैग वाले चेक्स को यूज़ कर रहे हैं बिकॉज अब हमारी डिज़ाइन क्या एक पूरी तरीके से भर चुकी है, तो अब हमें चेक्स की डिज़ाइन को लेकर इसे डिवाइड करना होगा। लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हमें सेट करना होगा यहाँ पर। सो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल चेक्स है। इसी चेक्स की डिज़ाइन के साथ आप इस डिज़ाइन को बैलेंस कर सकते हो। अगर आप इस डिज़ाइन के अलावा कोई और चेक्स यूज़ भी करोगे तो वो इतना ज़्यादा आपकी डिज़ाइन को इन्हेंस नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर अपनी पसंद के चेक्स के साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो श्योर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी इस पैटर्न में इससे ज़्यादा अच्छी चेक्स और कोई नहीं लगेगी यहाँ पर। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने चेक्स को कंप्लीट कर दिया है, देन मैंने लास्ट फिंगर को भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम फिंगर मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फीट की तो मोस्टली फीट में सारे फिंगर मेहंदी डिज़ाइन सेम ही होती है, तो यहाँ पर भी हम एज अ बॉर्डर लाइन जो डिज़ाइन हमने ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं हमारी इस डिज़ाइन में, तो वही डिज़ाइन को मैं फिंगर्स पर कॉपी कर रही हूँ। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी डिज़ाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है एंड लास्ट पे मैं हम्स को वापस से ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी कि मैं यहाँ सेकेंड फीट में भी इस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ कर चुकी हूँ एंड अब हम इस डिज़ाइन को अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। मैंने अपनी पहली सेमी ब्राइडल और ब्राइडल मेहंदी फुल ब्राइडल लेग्स मेहंदी डिज़ाइन में आपसे शेयर किया है कि आप बॉर्डर लाइन भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। सो आप उस कॉन्सेप्ट को भी इस ब्राइडल डिज़ाइन में आप कॉपी कर सकते हो, आप बॉर्डर पर एम्बॉस की लाइंस क्रिएट कर सकते हो। सो या अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हमारे क्लास 20 की वीडियो में। सो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।